स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बुनकर ने बताया कि डायरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए आगामी 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान संचालित किया जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ जिला मुख्यालय स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गफूर भट्टा में सोमवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरधर सिंह सोढ़ा व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर एमडी सोनी द्वारा गफूर भट्टा निवासी मनस्वी पुत्री नेमीचंद को तथा कार्यक्रम में 5 वर्ष तक की आयु के उपस्थित सभी बच्चों को ORS के पैकेट का निःशुल्क वितरण कर स्टॉप डायरिया अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। डॉक्टर सोनी ने उपस्थित अभिभावकों को स्टॉप डायरिया अभियान के उद्देश्य से महत्व अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। स्टॉप डायरिया अभियान का करें सफल क्रियान्वयन। डॉक्टर सोनी ने बताया कि सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिले में स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत की जाने वाली समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन करने व ORS वितरण दस्त एवं निर्जलीकरण संबंधी जागरूकता आदि गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत आशा सहयोगिनियों द्वारा ORS पैकेट का निःशुल्क वितरण दस्त से पीड़ित बच्चों को जिंक की गोली उपलब्ध कराना तथा दस्त संबंधी जागरूकता दस्त के बारे में गहन चर्चा परामर्श संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सभी चिकित्सा संस्थानों पर ORS व जिंक कॉर्नर होंगे स्थापित। डॉक्टर सोनी ने बताया कि जिला चिकित्सालयों सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS एवं जिंक कॉर्नर की स्थापना विभागीय कार्मिकों के द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट कपिल डांगरा जैसलमेर। आज गफूर भट्टा में गिरधर सिंह सोढ़ा साहब पार्षद महोदय के सानिध्य में स्टॉप डायरिया कैंपेन का आगाज किया गया। जैसलमेर जिले में बच्चों में होने वाली दस्त व उससे तकलीफों को कम करने के लिए व जन जागरूकता फैलाने के लिए हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि दस्त लगने पर ORS और जिंक दिया जाना चाहिए ताकि दस्त से जो तकलीफें हैं और परेशानियाँ वो कम हो। धन्यवाद।